ये वही 6 आतंकी हैं जिन्हें सुरक्षा बलों ने कुलगाम में मौत के घाट उतारा है। 24 घंटे से अधिक चला ये ऑपरेशन इन आतंकियों की मौत के साथ पूरा हुआ। पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि सभी आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से थे और कुलगाम और शोपिया जिलों के मूल निवासी थे। चिनिगाम फ्रिसल में मारे गए 4 आतंकियों की पहचान यावर बशीर डार, जाहिद अहमद डार, तौहीद अहमद राथर और शकील अहमद वानी के रूप में हुई है। वहीं मोटरगाम में मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान फैसल और आदिल के रूप में हुई। मुठभेड़ स्थलों से बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान सेना ने 2 जवानों को भी खो दिया। पहली मुठभेड़ मोदरगाम गांव में हुई जहां पैरा कमांडो लांस नायक प्रदीप नैन कार्रवाई में शहीद हो गए। सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर इस अभियान को शुरू किया था जहां कम से कम 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर थी। वहीं दूसरी मुठभेड़ फ्रिसल चिनिगाम गांव में हुई जब सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों के बारे में सूचना मिली। ऑपरेशन के दौरान प्रथम राष्ट्रीय राइफल्स के हवलदार राजकुमार शहीद हो गए। बता दें जम्मू कश्मीर में जून में कई बड़े आतंकी हमले हुए। रियासी, कठुआ और डोडा में हुए आतंकी हमलों में कई लोगों की जान भी गई और उसके बाद से ही सुरक्षा बलों ने ढूंढ ढूंढ कर कई आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। ये जो 6 आतंकी कुलगाम में मारे गए हैं ये तो बस शुरुआत है। भारतीय जवान इतने पर ही नहीं थमने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।